नागरिकता कानून है पता, लहसुन जो है 20 रुपये के जी होना चाहिए, उसको 200 रुपये के जी करना। नागरिकता कानून में लहसुन 20 रुपये के जी, 200 रुपये के जी चल रहा है, गरीब आदमी मर रहे हैं लहसुन प्याज खाए बगैर। ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम प्याज। अच्छा, NRC कानून में महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है सर, NRC कानून से, कानूनी जरिए से बढ़ रहा है सर। CAA कन्वर्शन असेंबली बिल। NRC की पूरी फॉर्म आती है आपको? नेशनल व्हाट? आप समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हो, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आपको CAA का मतलब भी नहीं मालूम? जी, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। NRC है क्या ये? NRC जो प्रधान जी से पूछे, NRC क्या है प्रधान जी बताइए आप। नहीं, आपको नहीं मालूम है NRC क्या है? हमको NRC पता है, बताइए ना सर। पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना सर। पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। क्या है CAB, क्या है? इसे नहीं मालूम, इसे नहीं मालूम। जो CAB बिल जो पास हुआ है उसको वापस लिया जाए, उस पर दोबारा थिंकिंग की जाए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के तहत में बहुत गलत किया जा रहा है। क्या गलत है उसमें जरा बताइए, समझाने की कोशिश। देख, जो पहले पहले NRC है, कहाँ कहाँ के लिए आया? आसाम, आसाम के लिए आया, और वेस्ट बंगाल के लिए आया, वेस्ट बंगाल के लिए आया। नहीं, सिर्फ आसाम के लिए आया, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं। NRCC और NRA, क्या नाम है उनका? ओह नो। NRCC और NRA, क्या नाम है उनका? NRCC और CAB और NRC है, उस पे आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया है। हाँ? आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या है प्रोटेस्ट आपका, किस बात को लेकर है? मेरे को नहीं पता, आप बताइए। प्रोटेस्ट में आए? क्या ये चीज गलत है? ये चीज गलत है। कैब क्या है जरा, कैब का फुल फॉर्म बताइए। कैब यही है, बताइए अंकल जी, बताएंगे अंकल जी, बताएंगे बताइए अंकल जी, क्या है क्या? कैब के बारे में मुझे नहीं मालूम, कैब के बारे में मुझे नहीं मालूम। क्या है मुद्दा आप लोग बताइए, बताइए भाई आप लोग बताइए। जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो हैं वहाँ के नागरिकता देने का वो है प्रयास किया जा रहा है। What? NRC के बारे में जानकारी है कि जो नागरिकता, इसके पास जमीन नहीं रहेगी, वो कहाँ से नागरिकता लाएगा? Oh, no. CAA के बारे में जानकारी है? नहीं, CAA के बारे में जानकारी नहीं है। NRC क्या है, NRC का फुल फॉर्म क्या है ये बताएगा इधर। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ नहीं मजे नहीं। किसके लिए आप इकट्ठा हुए, ये तो पता होगा ना आपको भाई, जैसे सब हुए ना। अच्छा, जैसे सब हुए इसीलिए आप भी आ गए, ये नहीं पता है कि क्यों इकट्ठा हुए हैं, मतलब किस लिए ये प्रदर्शन हो रहा है ये आपको नहीं पता है? किस चीज का धरना दे रहे हैं आप लोग? वही नेता बता रहे हैं वहाँ है। आप लोग नहीं मालूम है किस चीज का धरना चल रहा है? नहीं, हम लोग नहीं मालूम। ऐसे चले आए? हम लोग आए थे कहने के, चलो वहाँ, हम चले आए। जानकारी नहीं है कि किस लिए आए हैं? हाँ। किस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हम? यहीं के हैं, इंडियन है तो हम इंडियन ही रहेंगे, यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है कि आप इंडियन नहीं है? NRC कहाँ हुआ है? पास हो ही गया है। NRC का बिल थोड़ी पास हुआ है। फिर किसका बिल पास हुआ है? आपसे कि NRC का बिल यही पता चला है। आपको नहीं पता? नहीं, हमें भी पता है, हमें पता है, मगर हमारा धर्म खून है, खून का हमें, हम पागल हो जाते हैं, ये बताएंगे। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ, ऐसा लगता है ना कि हो सकता है, मतलब अगर आप पढ़े कि क्या देखा उसमें, तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड इफ एवरीथिंग वाज ओके, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड नॉट जस्ट इन मुंबई, इन SM, इन दिल्ली, इन बैंगलोर, इन हैदराबाद, व्हाई आर पीपल कंसर्न्ड? ना मैंने बिल को पढ़ा है ना समझा है, ना मैंने बिल को पढ़ा है ना समझा है।